For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. तो कोरोना वायरस से अभी कोई बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन हमारा घर सारा तबाह हो गया। मेरे को 1,30,000 रुपया था मैंने ऊपर कमरे में, वो भी हमको सारा कुछ जल गया। Currently, I am working with Kashmir Life News Magazine. Amid this COVID-19 pandemic that has taken so many lives throughout the globe, we have been asked to work from home to ensure the safety of our lives. But it's very difficult to work from home because, you know, since August 5, there is no high-speed internet connectivity in this part of the world. So I guess this is the right time to restore 4G connectivity, because it takes me I think half an hour to send a single email, to send a single word file to office. As a journalist, I feel that if I cannot work from home, we cannot keep our audience, we cannot keep people up to date about the facts. This will add to the rumor mongering, this will definitely add to the panic. So this is the right time. I guess we should leave the conflict apart, take such initiatives that will help humanity, that will help people, that will get us out of this pandemic. Thank you. मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं डल लेक में रहता हूँ। मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जो हमें अनाउंसमेंट किया है कि हम 3,000 रुपये आपको 3 महीने के लिए देंगे, ये जाता है 33 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये हमें दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ये हम 5 अगस्त से हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ से हम लोगों ने जो टूरिस्ट को एडवाइजरी दी थी कि यहाँ से आप निकलिए, यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो वहाँ से लेके 5 अगस्त से लेके अभी तक यहाँ पे टूरिस्ट कोई नहीं आया। टूरिस्ट सारे भाग गए और जो हमारा डिपेंड है सारा टूरिस्ट के ऊपर ही है। टूरिज्म इज़ नो मोर फिनिश ईयर सिंस ये 5 तारीख से ज़्यादा ये हुआ। अब हम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्या गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ करेंगे, वो बजाय उसके उन्होंने जो 1,000 रुपया हमारे या हाउस बोट वालों के लिए या होटल वालों के लिए वो डाला है, वो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा मजाक किया है इन्होंने। सरकार ने इनको समझना चाहिए था कि इनका खर्चा क्या है और कब से ये सफर कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। जी मेरा नाम है
हैं शाकिर मुश्ताक, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां से बिलोंग करता हूँ। हम मोस्टली डिपेंड करते हैं ये सेब पे, हम ग्रोअर है, सेब हमारा प्रोडक्ट आता है जो हम प्रोड्यूस करते हैं और मोस्टली हम डिपेंड करते हैं वो हम सेब पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी जो लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और कश्मीर तो है ही है, कश्मीर में अभी जो हमारा इशू है वो ये है कि हमारा सेब का जो पैदावार होता है हमने वो कोल्ड स्टोर में रख दिया है डैम्पेज के लिए। यहाँ पर लॉकडाउन है, व्यापारी हमारे पास आ नहीं सकते, हम व्यापारी के पास जा नहीं सकते, पूरा अभी बंद है। और अभी जो हमें मदद चाहिए थी गवर्नमेंट की, वो हमें अर्जेंट मदद चाहिए थी, लेकिन हम जो देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा है। हम कम से कम एक साल हो गया काम नहीं है, पिछले अगस्त से हमारा सहारा यही है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। टूरिस्ट नहीं आया, टूरिस्ट खत्म हो गया, कोई टूरिस्ट आता ही नहीं, हमारा पास कोई सहारा नहीं टैक्सी ड्राइवरों के पास, हमारा रोजगार यही था। अभी दो साल होने लगा, ये अभी ये क्लियरेंस हो गया, बीमारी हो गया, इसमें भी ज़्यादा बर्बाद हो गया। हम इस वक्त क्या मुसीबत में, खर्चा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हम घरों में बैठे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं समझे कि ये घर कैसे चला रहे हैं इस टाइम। और हमारे पास कोई नहीं आता है कि आप लोग के पास है कुछ खाने, खाना ही कुछ नहीं है, खाना तो चलेगा 10 दिन के लिए दे रहे हैं, 15 दिन के लिए, लेकिन कुछ हम तो टोटली नुकसान में है।